50%। हेलो, रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है सर, आपको होस्ट बना दिया वापस। ओके, ऑसम। अमान, तुम्हें आवाज आ रही है हमारी? यस सर। ओके, ऑसम। सो अमान और सोबन, हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम देखा था लिस्ट वाला, ठीक है? तो वो पूरा समझ गए आप दोनों? नहीं सर। चलो बताओ, कौन सा पार्ट नहीं समझे और कौन सा पार्ट समझे हो? अपनी बात हुई थी ना, ओके, तब तक मैंने किया था। प्रोग्राम खोल ही रहा हूँ। अमान, तुम्हें प्रॉब्लम सब समझ में आया था अच्छे से? यस सर। और उसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया? हेलो, अमान आवाज आ रही है? You're now connected to Boatstone 170. अमान, सोबन। यस सर। ओके, तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अभी, ठीक है? अभी मुझे बताओ कि तुम दोनों को इस कोड में से कौन सी चीज समझ में नहीं आई थी। हेलो, यस सर। भाई बताओ, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? सर, इसमें अपनों ने इनपुट फंक्शन शुरू करके। एक मिनट दो मुझे जरा, क्यों नहीं चल रहा यहाँ पे? सबमिशन कहाँ पे गया हमारा? क्या एक्सेप्टेड सबमिशन? ये बात थी यहाँ पे। आई चला आ जाओ।
running the code. अमान तुम्हारी स्क्रीन शेयर करो, तुम्हें होस्ट बना रहा हूं मैं। सॉरी सोबन, सोबन तुम्हारी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है हेलो सोबन। हाँ सर, दिखाओ जरा क्या हो रहा है स्क्रीन पे। हम ये देखना है कोड। मैंने इसमें लिखा था ना पहले फाइल में लिखा था आपका। वापिस मुझे लिखना पड़ेगा ये फाइल। रुको यार, फिर से कोड में तो कॉपी पेस्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी बंद करो, मुझे होस्ट कर दो फिर से। मुझे होस्ट बना दिया तुमने फिर से। हेलो, ओके नादिया सर। ओके ओके, और हम पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, एक और मैंने कर लिया अभी। अब वही कोड है, सेम फिर से लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इनपुट लिया हमने सबसे पहले, इनपुट लेने के बाद एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, ये डैश रखा है इन्होंने। ठीक है, हमें कोई जरूरत नहीं थी, बस डैश रखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, बस मल्टीपल टाइम्स रन करना इसलिए रखा है। इसकी वैल्यू में चेंज करके कर दू आई भी तो चलेगा। चला, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ टेस्ट, टेस्ट में मतलब हमारा पहला एलिमेंट यहाँ का आएगा 12, और अगर छोटा एग्जांपल चाहते हो तो यहाँ पे 4, मतलब नंबर ऑफ कमांड्स कितनी होंगी हमारी, वो आया हमारा टेस्ट में। तो ये जो फॉर लूप है ये टोटल 4 बार चलेगा, 4 बार चला, टोटल 4 बार इनपुट लेगा, और 4 बार ये सारी की सारी कंडीशंस चेक करेगा। अगर हमारी कमांड में ये देखो, ये जो है लिस्ट ऑफ इनपुट ऑफ स्प्लिट, अब हमारा था स्ट्राइप और स्प्लिट था। ठीक है, अब ये भी एक वे है कि भाई तुम उसको डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो स्प्लिट करके। ठीक है, ये मेरा वाला फेवरेट है। तो हमारी कमांड में यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट। ठीक है,
उसके बाद आएगा वन, उसके बाद आएगा फाइव, ऐसी चीजें आएंगी हमारे इनपुट में और हम उन्हें कर रहे कन्वर्ट लिस्ट में, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ जीरो विल बी इंसर्ट, वन विल बी वन एंड लिस्ट ऑफ टू विल बी फाइव। अब देखो यहाँ पे अगर कमांड ऑफ जीरो इंसर्ट है, अगर कमांड ऑफ जीरो इंसर्ट है, हाँ है, तो इसके बाद कमांड ऑफ वन को इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है, और उसके बाद कमांड ऑफ टू को भी इंटीजर में कन्वर्ट करो, और इन दोनों चीजों को इंसर्ट फंक्शन के साथ छोड़ दो। अब क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ये कॉमन सिंपल सा लॉजिक है इसका। यहां तक चीजें क्लियर है दोनों को? सर एक चीज समझ में नहीं आई कि इंसर्ट कहां से है। अरे इंसर्ट देखो, ये हमारा सेट ऑफ कमांड्स है, को तुमको दिखाता हूँ। ये जो सेट ऑफ कमांड्स है हमारा, इसके अलावा और कोई कमांड नहीं आएगी। अगर वो बोलते हैं भाई कि इंसर्ट 3,1, तो हमें थर्ड पोजीशन पे ये 1 ऐड करना है, ये काम करना है। वो बोलते हैं प्रिंट, तो हमें लिस्ट प्रिंट करनी है, सिंपल सा टास्क है। और इन 7 कमांड्स के अलावा और कोई भी दूसरी कमांड नहीं होगी। देखो इंसर्ट है, प्रिंट है, रिमूव है, अपेंड है, सॉर्ट है, पॉप है, रिवर्स है, बस। और जब ये कमांड यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हमको कमांड मिली है, तो उसके बाद ऑपरेशन क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है भाई। अगर इंसर्ट बोला है तो इंसर्ट करोगे, प्रिंट बोला है तो प्रिंट करोगे, रिमूव ई बताया है तो भाई ई एलिमेंट तुम रिमूव कर दोगे लिस्ट में से। और ये सारे काम कैसे करोगे, ये सारे काम करोगे लिस्ट के डिफॉल्ट फंक्शन से। जैसे हमने सीखा था कि भाई इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, इंसर्ट फंक्शन हमारा लिस्ट में एलिमेंट ऐड करता है। अब एस क्या है हमारा, एस तो एम्प्टी लिस्ट है। एस डॉट इंसर्ट किया, इसका मतलब हमने एस में एक एलिमेंट ऐड कर दिया, बस। yes. अमान तुम्हें कोई डाउट है? नो सर। तो ये प्रोग्राम प्रॉपरली समझ में आ गया? यस सर, फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा सर, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब मान लो कि मैं तुम लोगों को दो छोटे प्रोग्राम देता हूँ, तुम लोग अभी मुझे वो लिख के दे दो, चलेगा? हेलो, मैं तुम दोनों को दो प्रोग्राम दूंगा करने के लिए, ठीक है, और वो प्रोग्राम का कोड तुम दोनों लिख के दोगे। अब वो तुम पाइथन में लिख के दोगे टाइप करके, चलेगा? वो कोड तुम पेन पेपर पे लिख के उसका फोटो डालोगे ग्रुप में, चलेगा? पर मुझे उसका कोड चाहिए, ठीक है सर, तब मैं समझ पाऊंगा कि तुम लोगों ने वो प्रॉपरली समझ लिया है फॉर लूप को, लिस्ट को, ठीक है? ठीक है सर। थोड़ा सैटरडे संडे ऑफ दीजिए। सैटरडे संडे ऑफ चाहिए? हाँ सर, वीकडेज में लो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो कल और परसों छुट्टी है, फिर लेक्चर लेते हैं मंडे या फिर ट्यूसडे को। पर अभी करंट के लेक्चर में तुम दोनों को मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ, ठीक है? मैं तुम लोगों को एक लिस्ट भेजता हूँ,
दोनों को मैं भेजता हूं एक लिस्ट, मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों को वर्ड, सॉरी वर्ड नहीं, नंबर फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है? नंबर फ्रीक्वेंसी, मान लो मेरा मोबाइल नंबर है 9960998510, ठीक है, उसमें कौन सा नंबर कितनी बार आया है उसको फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब उस नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है अमान, समझ आए हो? हेलो, यस सर। हाँ, तो कौन सा नंबर कितनी बार आया है ये काउंट करना है। मैं तुम लोगों को एक लिस्ट दूंगा, लिस्ट में होंगे नंबर्स, ठीक है, और लिस्ट में होंगे नंबर्स, तो तुम लोगों को नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। अब नंबर बस हमारे पास 10 ही है, 0 से लेके 9 तक, तो 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, ऐसे करके 9 तक, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक सैंपल लिस्ट देता हूं, और ये मैंने अपने WhatsApp ग्रुप पे सैंपल इनपुट डाल दिया। अमान, सोबन, हेलो, यस यस, ओके, ये सैंपल इनपुट डाल दिया मैंने। अब आप लोग एक प्रोग्राम करोगे जो मुझे वो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी देगा, ठीक है, और ये प्रोग्राम आप बनाओगे और मुझे समझाओगे भी कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में क्या किया एग्जैक्टली। बोलो, इस तरह फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब किस तरह फ्रीक्वेंसी बतानी है, मतलब तब ऐसे कि ये आपने मुझे ये सैंपल इनपुट भेजा है, हाँ, वो कैसे आउटपुट के किस हिसाब से होना चाहिए, आउटपुट किस हिसाब से होना चाहिए भाई? ठीक है, मैं बताता हूँ, रुको,
बस एक मिनट दो मुझे, अभी बता रहा हूँ मैं, आउटपुट तैयार कर रहा हूँ। तो ये रही आपकी लिस्ट यहाँ पे, और इसका इनपुट आना चाहिए ऐसे, ठीक है, इसका आउटपुट आना चाहिए ऐसे। ठीक है, मैं ये डाल रहा हूँ ग्रुप में। देखो तुम लोगों को मैसेज आ गया क्या? पहुंच गया क्या मैसेज तुम दोनों को? हेलो, यस सर। सौबन, अमान, देखो पहले आएगा नंबर तुम्हारा, नंबर कौन सा है और वो नंबर कितनी बार दिखा है लिस्ट में। अब देखोगे यहाँ पे तो एक एक ही बार आया है, दो आया है दो बार, तीन आया है तीन बार, चार आया है दो बार, पांच आया है तीन बार, सात आया है तीन बार, छह भी तीन बार आया है, आठ दो बार आया है, नौ दो बार आया है, जीरो एक ही बार आया है। ठीक है, हेलो, हाँ सर, सर समझ नहीं आ रहा है कैसे तुम, समझ नहीं आ रहा है कैसे तुम, कोई हिंट? समझ में नहीं आ रहा है कैसे करो? ठीक है, एक फॉर लूप लगाओ और लिस्ट में स्टार्ट से एंड तक जाओ, चेक करो कि भाई ये नंबर एक है तो एक का काउंटर बढ़ा दो, नंबर दो है तो दो का काउंटर बढ़ा दो, और एंड में सारे काउंटर्स प्रिंट करो। काउंटर मतलब क्या, तुम 10 वेरिएबल तैयार करोगे, और अगर एक के लिए मान लो तुमने वेरिएबल तैयार कर लिया v1, ठीक है, अगर तुम्हें फॉर लूप में पता चलता है कि हमारे i की वैल्यू 1 है तो तुम a1 = a1+1 करोगे, मतलब a1 की वैल्यू बढ़ा दोगे और एंड में सारे काउंटर्स प्रिंट करोगे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, जरा ट्राई करो, दिमाग लगाओ। करता हूँ सुन।
हाँ तो गाइस कुछ लॉजिक लगाया आप लोगों ने? हेलो सोबन? यस सर। तो क्या लॉजिक सोचा कुछ? मैं वही सोच रहा हूँ कैसे करूँ। वही सोच रहे हो? क्या सोचा अब तक? कुछ तो सोचा होगा। मैंने लिस्ट बनाई पहले, बाद में ऐसा किया कि फॉर आई फॉर लूप चालू किया, फॉर आई इन ए। कुछ तो सोचा होगा पहले कि किस हिसाब से प्रोग्राम करूंगा मैं। अभी आगे वही सोच रहा हूँ कि आगे कैसे करूँ। देखो प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्राम सोचो कैसे बनाओगे। अभी मान लो तुमको गुजरात से आना है पूना। अभी गुजरात में कहाँ पे हो तुम? अभी हेलो? यस सर। अभी गुजरात में कहाँ पे हो? अभी गुजरात में भरूच में हूँ। सोचो तुम्हें भरूच से आना है पुणे, तो कैसे आओगे? ये पहले प्लान करोगे ना, ट्रेन से आऊंगा, बस से आऊंगा, या प्लेन से आऊंगा, या बाइक पे जाऊंगा, तो रूट कौन सा चूज करोगे? पहले सोचोगे या फिर डायरेक्ट निकल पड़ोगे घर से? नहीं पहले सोचोगे। तो भाई पहले सोचना है हमें कि हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे कि हमें सब वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें समझ में आने वाला प्रोग्राम। एकदम बेसिक लेवल पे है। कहाँ पे है रेपल? यहाँ पे। ठीक है, मेरे स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ दिख रही है सर। ये है हमारी लिस्ट। ये लिस्ट है। ये है हमारा आउटपुट। एक आया एक बार, दो आया दो बार। तो देखो मेरी लिस्ट है, मुझे पता है जीरो से लेके नौ तक नंबर है, टोटल 10। ठीक है, और मुझे देनी है उनकी फ्रीक्वेंसी। तो मुझे कम से कम 10 ऐसी जगह चाहिए जहां पर मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, एक के लिए एक जगह, दो के लिए एक जगह, ऐसे मैंने 10 के लिए 10 वेरिएबल तैयार कर लिए। अब मैं इनमें स्टोर करूंगा फ्रीक्वेंसी। अब मेरी जो आय है, आए पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे 1 2 3 4 5 7 4 2 3 6 7 ऐसे ट्रैवर्स करेगी। ठीक है, मैंने लगाया फॉर लूप। मैंने फॉर लूप लगाया और मैंने देखा फॉर लूप में कि भाई अगर मेरे आई की वैल्यू कहीं पे 1 है, मैं इस लूप में ट्रैवर्स कर रहा हूँ भाई, कहाँ पे मेरे आई की वैल्यू, देखो मैं पहले यहाँ पे आया आय में, आय लिस्ट का जीरो कौन सा है? 1 है, जीरो एलिमेंट। 1 आया, मैंने पूछा भाई 1 = 1 है, आई की वैल्यू जो 1 है, इज इट इक्वल टू 1? अगर है तो ए 1 की वैल्यू बढ़ा दो, ए 1 की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, अगर वो 2 है तो ए 2 की वैल्यू 1 से बढ़ा दो, ऐसा करके सारी जगह पर मैंने लॉजिक लगा दिया। सिंपल सा लॉजिक था। अब अगर यहाँ पे 1 आया तो मेरी ये वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे अगर 2 आया तो ये वाली वैल्यू बढ़ गई, 3 आया तो यहाँ पे A3 की वैल्यू बढ़ गई, ऐसे करते करते सब एलिमेंट्स के वैल्यू आ गई और उनके काउंटर बढ़ते गए और एंड में मैंने सबको प्रिंट कर दिया। ये समझ में आया? हाँ ये समझ में आया। मुश्किल था? नहीं सर। तो फिर क्यों नहीं किया तुमने? ये तो मुश्किल ही था मेरे लिए, तो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं बाद में शेयर करता हूँ। ये प्रोग्राम समझ गए? ये प्रोग्राम समझ में आया सर। ऐसे हमें पहले सोचना है कि हमें क्या करना है और उसके बाद हम एक्शन करेंगे। ठीक है, अब तुम्हें इसका जरा थोड़ा सा एडवांस लेवल बताता हूँ।
मान लो कि ये हमारी लिस्ट है, ठीक है। अब मैं करता हूँ फॉर आई इन रेंज, सॉरी आई इन माय लिस्ट, और उसके पहले मैं करता हूँ डिक्लेयर एक लिस्ट, उसको देता हूँ नाम ए आर आर ऑफ एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया, एरर ऑफ एम्प्टी लिस्ट नहीं चलेगी, ओके हाँ चलेगा चलेगा। अब मैं क्या करूंगा, इफ आई इन एरर, अगर ये इनका भी हमने पहले ही बता दिया था इन क्या होता है, ठीक है, जब हम वेरिएबल सीख रहे थे, इफ आई इन एरर, एरर ऑफ I equal to ARR of I plus 1 else ARR dot append, क्या करना है, I and ARR of I equal to 0, ठीक है, तो प्रिंट ARR सबसे लास्ट में। अब मैंने पहले लॉजिक बनाया है, मुझे पता है कि मेरे पास नंबर 1 2 3 4 है, 0 से लेके 9 तक, और 0 से 9 से ले तक तो मेरी लिस्ट के इंडेक्स भी हो सकती है कि नहीं। हाँ हो सकती है, मेरी लिस्ट की इंडेक्स भी हो सकती है। तो क्यों ना मैं उस इंडेक्स का यूज करके फ्रीक्वेंसी स्टोर करूं। मैं करता हूं इस प्रोग्राम को रन, क्या कह रहा है, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ओके इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अरे यार ये ऐसे नहीं चलेगा, हाई एफ हो गया, ARR of ARR dot index of I, ठीक है, क्या आया यहाँ पे, इसका आउटपुट तो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है,